नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू जॉब अपडेट लेके आया हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कैंडिडेट बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक एग्जाम देना चाहते हैं, कोई सा भी PNB हो गया, SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, कोई सा भी बैंक है, अगर आपका सपना है कि आप बैंक के अंदर जॉब करें तो उन कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हम आज जॉब डिस्कस करेंगे ये यूनियन बैंक के अंदर निकली हुई है, तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम की फीस क्या है, सेंटर कहाँ पे आएंगे फॉर्म के आप एग्जाम देने जाओगी और क्या क्या इसमें चीजें हैं, वो सब हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे आखिरी तक। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करें, ये यूनियन बैंक के अंदर पोस्टें निकली हुई है और टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो ये 606 पोस्टें निकली हुई है। टोटल 606 पोस्टें हैं जो कि एक बैंक के लिए काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है। अब अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है, वो फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी में के मंथ में फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और ये 2 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 2 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं आपके, सॉरी 3 फरवरी से, हाँ 3 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इन्होंने रखी है फॉर्म की, जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी रखी है, 23 फरवरी 2024। तो आपको 20 दिन का टाइमिंग दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के अंदर। 3 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 फरवरी लास्ट है, मतलब फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो हम वीडियो बना रहे हैं आप, मतलब फॉर्म स्टार्ट है, आप अपना फॉर्म फिल कर देना। अब क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो ये जो पोस्टें आई है वो कोई एक पोस्ट नहीं आई, जैसे हमारे बैंक में क्या होता है मोस्टली PO हो गया, क्लर्क हो गया, ऐसी पोस्टें आती है तो उसमें क्या है नॉर्मली ग्रेजुएशन अलाउ रहती है, बट ये जो पोस्टें आई है वो सीनियर मैनेजर लेवल की भी है, मैनेजर लेवल की भी है, टेक्निकल ऑफिसर लेवल की भी है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की भी है, वो कुछ टेक्निकल ऑफिसर की पोस्टें हैं जिसके अंदर बीटेक वाले भी अलाउ हुए हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने बीटेक कर रखा इलेक्ट्रिकल के अंदर या सिविल के अंदर या मैकेनिकल के अंदर, तो इनके लिए भी ये पोस्टें हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पास CA की डिग्री है, चार्टर्ड अकाउंट है, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। आर्किटेक्चर वाला कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले उसके लिए भी पोस्टें हैं, वो भी इसमें अलाउ है। तो इसमें अलग अलग तरह की पोस्टें रखी हुई है, कोई एक पोस्ट नहीं है कि आपको उस वो ग्रेजुएशन हो आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन कि आप सभी लोग अलाउ करें, कि ऐसा नहीं है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो इसका मैं जो शॉर्ट पूरा नोटिफिकेशन है ये ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है भविष्य एजुकेशन, आप वहां से देख लेना कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और टोटल जो पोस्टें हैं वो 606 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन मान के चलो, क्योंकि हर एक पोस्ट के अंदर ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आप बीटेक हो या BSc हो या BA हो नॉर्मल या CA की हो, आपने MBA की हो, हर एक के लिए यहाँ पे पोस्टें निकली हुई है। IT ऑफिसर की पोस्टें भी है जिन्होंने CS में कर रखा है। नेक्स्ट बात करें फॉर्म फीस की, फॉर्म फीस क्या रहेगा, जो कैंडिडेट जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फॉर्म फीस रहेगी ₹850, या जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फॉर्म फीस रहेगी 175, मतलब ओनली ₹175 ही इनकी फॉर्म फीस रहने वाली है। तो आप अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ये फॉर्म भर देना, क्योंकि ये इसके लिए आपके लिए थोड़ा सा जनरल OBC वालों के लिए फीस थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं ये बोल रहा हूं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले आपका एक CBT होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसके अंदर हम जिसको मैथ बोलते हैं या क्वांट बोलते हैं, इसके क्वेश्चन आएंगे 20-25 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। फिर रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे जो कि इसके अंदर 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स। आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा, मतलब आपने जिसके अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपकी डिग्री है जिस ब्रांच से रिलेटेड, उसके आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा उसके इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे कितने, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है।
मतलब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, आपके ब्रांच जिससे आपकी डिग्री है उसके 50 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज का मैथ के 25 और इंग्लिश के 25, 150 मार्क्स का पेपर होगा और 150 नंबर आपका होगा। इससे पहले आपका एक पेपर और होगा जो वो भी आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, ये जैसे मान लो आपका सीबीटी है तो इसके साथ एक सीबीटी और होगा, उसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे आपकी ब्रांच या प्रोफेशनल नॉलेज के, प्रोफेशनल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का या 100 क्वेश्चन का एक पेपर और होने वाला है आपका प्रोफेशनल नॉलेज या आपकी ब्रांच से रिलेटेड, तो वो भी उसमें आपको 2 घंटे टाइमिंग मिलेगी, 2 hours टाइमिंग मिलेगी, इसमें भी आपको 2 घंटे टाइमिंग मिलेगी। तो ये आपके 2 CBT इसके अंदर होने वाले, CBT 1 और CBT 2, एक के अंदर पूरा मिक्स होगा, दूसरा ओनली आपके नॉलेज का होगा। जब ये आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू और आपका ग्रुप डिस्कशन GD है उसके लिए बुलाएगा, मतलब PI एंड GD के लिए आपको फिर कॉल आएगा जब ये आप क्वालिफाई करोगे एग्जाम वाले स्टेज को। ये होने के बाद आपका DV होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम सिटी कहाँ रहेगी, तो एग्जाम सिटी भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो फॉर्म भरोगे आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है, दिल्ली के अंदर होगा, NCR रीजन हो गया, हैदराबाद वाले हैं हैदराबाद, चंडीगढ़ या मोहाली हो गया, बेंगलोर है, चेन्नई है, भोपाल है, मुंबई है, नोए मुंबई हो गया, मुंबई पूरा रीजन, अहमदाबाद और गांधीनगर है, भुवनेश्वर है, पटना है, कोलकाता है और लखनऊ है। तो ये इतने 12 रीजन दे रखे हैं, मतलब इनके ही अंदर आपका इन 12 सिटी में आपका एग्जाम सेंटर होगा और वहीं से आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो आप अपने आसपास की नजदीक सिटी है उसको देख के ही उसके अंदर एग्जाम सिटी फिल करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम देने के अंदर और आप अपना इजिली से फ्री माइंड होकर एग्जाम दे सकते हो। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मोस्टली इसमें चांसेस किन के हैं, जिन कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो उनके ही पोस्टें इसके अंदर ज्यादा है। बेसिक ग्रेजुएशन के अंदर इसमें सब अलाउ हुआ है, पोस्ट के अकॉर्डिंग BTech है, BSc है, MBA भी है, MSc है, BCom भी है, हर एक डिग्री या हर एक ब्रांच वालों के लिए इसके अंदर पोस्टें दी हुई है। तो वो आपको फुल नोटिफिकेशन के अंदर देखना मिलेगा, वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हमने फॉर्म फीस की बात कर ली, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली, अप्लाई डेट बता दी और पोस्टें बता दी। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो तो आप जरूर फॉर्म को फिल करना और इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।